बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। तो मैंने बताया कि मैं मुद्दों पे ही बात करता हूं। इसके बाद पूरे देश में एक मुद्दा चला, गाय माता। गाय माता हमारी सदियों से थी, आज भी है, हमेशा रहे, लेकिन मुद्दा अभी बना गाय माता। लेकिन मेरा यह कहना है कि अगर गाय को माता बोलते हो तो सांड को भी बाप बोलो। रिश्ता निभाना है पूरा निभाओ। सांड को तो बाप बोलते नहीं, उल्टा उसके नाम पे ताने बने हुए। क्या सांड जैसा मुंह उठा के आ गया? क्या सांड जैसा टांग फैलाए बैठा रहता है? बेचारा काम उसका रहता है, क्रेडिट मिले ही नहीं आज तक। गाय माता, गाय ठीक है, अच्छी बात, गाय माता। एक से मैंने पूछा, गाय को माता क्यों बोलते हो? बोलता गाय हमें दूध देती है। हमने कहा देती नहीं, हम निकाल लेते। उसका बछड़ा किनारे बना रहता है, वो उधर दूर से देखता है, बोलता है ये माता और ये बेटा, तो हम कौन? टेस्ट यू बेबी। अच्छा, हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम जानवरों से भी रिश्तेदारी निकालने में माहिर हैं। हम लोग बहुत प्यारे लोग हैं, सबसे प्यार मोहब्बत से रहते हैं, जानवरों से भी रिश्तेदारी निकालते हैं। गाय माता और बिल्ली मौसी, अब बताओ दोनों कहां से बहने लगती? गाय माता और बिल्ली मौसी कहां से बहने लगती दोनों? हाँ, पूरी रिश्तेदारी है देखो। और मामा तो दो भी होते हैं, एक बंदर मामा एक चंदा मामा। दो बहने इधर, एक भाई इधर, एक भाई उधर। और मौका पड़ता है तो हम गधे को बाप बना लेते हैं। आप देख रहे हैं, गाय माता बिल्ली मौसी चंदा मामा गधा बाप। अब अगर हम इनकी आपस की रिश्तेदारी देखें तो क्या होगा? बिल्ली रिश्ते में गधे की साली लगी, गधा रिश्ते में चांद का चीजा लगा। मैंने बताया मैं मुद्दों पे बात करता हूं। इंदौर मुझे बड़ा प्यारा लगता है, क्योंकि वाकई में जब भी आता हूं इतना स्वच्छ साफ दिखाई पड़ता है। और यूं तो स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश में चल रहा है, लेकिन दिखाई इंदौर में पड़ता है। और वाकई मैं बताऊं, मैं मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान को बहुत एडमायर करता हूं। मतलब इतना एडमायर करता हूं, इतना मानता हूं स्वच्छ भारत अभियान को, कि मैंने खुद कई बार अपने हाथ में झाड़ू लेकर के फोटो खिंचाई है। अच्छा, स्वच्छ भारत अभियान देखिए, स्वच्छ भारत अभियान में जो लोगो है उसमें चश्मा गांधी जी का, लोगो में चश्मा गांधी जी का, झाड़ू केजरीवाल की, कचरा कांग्रेस का, अभियान बीजेपी चला रही है। मैंने मोदी जी से पूछ लिया, हमने कहा मोदी जी इसमें चश्मा गांधी जी का, झाड़ू केजरीवाल की, कचरा कांग्रेस का, आपका क्या है इसमें? तो उन्होंने बोला, भाइयों बहनों, झाड़ू के पीछे जो डंडा दे रखा है ना, मैंने बताया मैं मुद्दों पे बात करता हूं। पिछले दिनों एक और मुद्दा छाया रहा, न्यू मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ, जिसमें जुर्माना इतना बढ़ा दिया गया, जो 100 रुपए था उसको 500, 500 वाले को 5000, 10000, इतना जुर्माना बढ़ा दिया गया। नए नए नियम भी लगा दिए गए। उसमें से एक नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, कि अगर कोई बच्चा 18 साल से कम उम्र का अगर गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो उसको कुछ नहीं बोला जाएगा, उसके बाप को सीधा जेल। ये नया कानून है, मतलब समझ रहे हैं आप? अब कोई बाप अपने बेटे को डांट भी नहीं सकता है। मार भी नहीं सकता है।
पता चला बाप इधर डांट करके अंदर जा गया, सो गया जा करके। बेटे ने देखा बाप सोया, इधर चाबी निकाल ली और गाड़ी लेके निकल गया। दूसरे दिन बाप सीधा जेल में। और जब जेल में जाते हैं तो वहां जो पुराने कैदी होते हैं, आने वाले कैदी से पूछते हैं, भैया किस जुर्म में आए हो? अब ये परेशान बोलता है, समझ में नहीं आ रहा कौन से जुर्म में। बोला अच्छा है, मैंने पहले एक गाड़ी खरीदी थी और 16 साल पहले एक लड़का पैदा किया था। इन दोनों में से जुर्म कौन सा है ये नहीं पता मेरे को। तुमने बताया, मैं मुद्दों पे बातें करता हूं। अभी आप लोगों ने सुना होगा खबरों में, न्यूज़पेपर में, वैसे भी बात करते हैं सोशल मीडिया में, कि देश में इस वक्त काफी मंदी छाई हुई है, मंदी का दौर है। जिधर देखो मंदी 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 बातें हो रही हैं। तो मैंने कहा मंदी है यार, जिस देश में लोग 150 रुपए किलो प्याज खरीद के खा रहे हो, वहां पर कहां मंदी हो सकती है? तो किसी ने बोला ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी है, गाड़ियां नहीं बिक रही हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं, मेरे पास 3 गाड़ियां थी, 2 बिक चुकी हैं। तुम लोग कह रहे हो मंदी है, वैसे मैं मुद्दों पे बात करता हूं। आजकल पूरे देश में आपने देखा होगा कि जब से ये नया कानून, एक नया एक्ट आया है CAA, पूरे देश का माहौल सब बहुत अलग हो रखा है। पूरे देश में तरह तरह के धरना प्रदर्शन उपद्रव, जिसका जो मूड जिसकी जैसी समझ वैसा पूरे देश में माहौल चल रहा है। अभी एक फिल्म दीपिका पादुकोण की छपाक, वो JNU चली गई, लोगों ने बायकॉट दीपिका ये सब शुरू कर दिया। मुझे कई लोगों ने बोला आप ने JNU के बारे में कुछ नहीं बोला, JNU के बारे में कुछ बोलिए। मैंने कहा दीपिका पादुकोण JNU गई थी, उसने कुछ बोला था वहां जाकर? सोचो जब उसने कुछ नहीं बोला तब उसका ये हाल है, और तुम लोग क्या चाहते हो मैं बोलूं? मतलब सीधा पाकिस्तान। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।